पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा, उठ और कुम्हार के घर जा, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा, और मैं तुझे वहां अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया, इसलिए मैं कुम्हार के घर गया, और क्या देखा कि वो चाक कर कुछ बना रहा है, बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था वो बिगड़ गया, बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। हाँ। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की ये वाणी है कि इस कुमार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, मैं जैसे मिट्टी कुमार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इज़राइल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। जब मैं किसी जाति या राज के विषय में कहूँ कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट कर दूंगा करूंगा। यर्मिया के पास में हमारा परमेश्वर का वचन जब पहुंचता है, तब वहां पे परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने का हम सबको आशीष मिले। परमेश्वर का वचन यर्मिया की पुस्तक में जब वो कुम्हार के पास में जाने को बोलता है, बाबा तू जा कुम्हार के घर में, है ना, क्योंकि परमेश्वर का दंड वो इसराइलियों के लोगों पर आने वाला था। इसलिए बोलता है, यर्मिया को बोलता है, बाबा तू पहले जाके कुम्हार के घर में जा और देख कि वो किस प्रकार से मिट्टी के बर्तन को बनाता है, और जिस प्रकार से तू देखता है, जो प्रकार से सोचेगा, उस प्रकार से जब मैं तेरे को वचन दूंगा तो अपनी इजरायली जाति में या मेरे बच्चों में या मेरे लोगों में तू उस वचन को प्रकट करना। वहां परमेश्वर दंड की आज्ञा के रूप में लोगों को कहता है कि तुम अपने मनों को सुधारो, मन फिराओ, ताकि परमेश्वर जो कि अनुग्रह के द्वारा सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है, और वही एक कुम्हार है जो कि हम सब मनुष्य जाति को बनाता आया है, ठीक है ना। सो यर्मिया का वचन इस प्रकार से हमारे बीच में आत्मिक रूप में संगति करता है, वो इस प्रकार से है, यहोवा की ओर से यह वचन यर्मिया के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर में जा। अब वहां पे जब छठवीं बात में हम देखें तो वहां पर पहली बात को देखते हैं, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के सामने तुम्हारा साथ मैं भी काम नहीं कर सकता। नहीं, जैसा मट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही इसराइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में, हम सब परमेश्वर के हाथ में है, है ना। और यर्मिया की पुस्तक इसी बात को परमेश्वर के वचन के समक्ष लाती है और कहती है, हमारा यशायाह उसके 43वें अध्याय और पहले पद में भी कहा है, देख मैं तेरे नाम लेकर बुलाया है, मैंने तुझे हाथ से थामा है, मैं तेरा सामर्थ्य परमेश्वर हूँ, मैं तेरा संभालने वाला परमेश्वर हूँ, और मैं तेरे मध्य में अगुवाई करने वाला परमेश्वर हूँ। तो क्या परमेश्वर हमको और आपको अनुग्रह के द्वारा जो जीवन दिया है, आज जो कि प्रार्थना का समय का दिया है, आज जो कि हम परमेश्वर के समक्ष निवेदन और विनतियों के साथ में रखते हैं, सो परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारा बनाने वाला परमेश्वर हूँ, तुम मेरी जाति है, तुम मेरे लोग हो, मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है, तुम मेरे हाथ के द्वारा रचा गया है, तुम मन फिराओ, है ना। परमेश्वर का वचन आज के हमारे अपने मनन के लिए इस बात को ठहराता है कि हमें परमेश्वर में अपने मनों को फिराना है या परमेश्वर की तरफ अपने मनों को रखना है। सो हाथ इस बात का प्रकट करता है कि केवल परमेश्वर का हाथ है जो कि निरंतर हमारे मध्य में सामर्थ्य रूप में अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, और वही परमेश्वर है जो कि हमें जीवन के अनुग्रह के द्वारा तमाम मुसीबतों से, परेशानियों से, तकलीफों से केवल परमेश्वर का हाथ है जो कि बाहर निकाल सकता है। सो देख, कुमार को देख कि वो जिस प्रकार से हाथ से मट्टी को तराशता, क्या मैं नहीं कर सकता था क्या काम? क्या मैंने तुझे तराशा नहीं क्या? क्या मैंने मनुष्य जाति को तराशा नहीं क्या? क्या मैंने उन जातियों को बनाया नहीं क्या? तो वो क्यों मेरे विरोध में बनवा करते हैं? सो पहली बात, परमेश्वर का हाथ हमारे जीवन के ऊपर सदा बना रहता है, और परमेश्वर यर्मिया के इसमें हमको इसी बात को ठहराना मानता है। दूसरी बात, वो क्या बोलता है, आठवां पद, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय मैंने यह बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय में जो मैंने उन पर डालने की ठानी है पछताऊंगा। दूसरी बात, परमेश्वर क्या बोलता है, इफ यू टर्न अवे फ्रॉम द सिन, या फिर हम कह सकते हैं पाप से अगर तुम पीछे हट के परमेश्वर के समक्ष अगर आते हो या परमेश्वर में मन फिराव देते हो, तब मैं क्या कर दूंगा, इस जाति को बचाए रखूंगा और मैं पछताऊंगा, पछताऊंगा नहीं, क्योंकि उसको मालूम है हर एक मनुष्य जाति, हर एक मनुष्य का जीवन जो कि उसके द्वारा रचा गया है उसी के द्वारा नष्ट नहीं होना चाहिए।
और परमेश्वर आज भी हम सबको जब 40 दिन हम प्रार्थना करते हैं, जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर जब हम प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं, तब हम इस बात को कहते हैं जहाँ परमेश्वर हमको और आपको भजन संहिता 23 के अनुसार कहता है, यहोवा मेरा यहोवा मेरा चरवाहा है। भजन संहिता में दाऊद राजा क्यों उसको चरवाहा बोलता है? क्योंकि उसका हाथ और उसकी करुणा निरंतर हमारे जीवन के साथ बनी हुई रहती है। परमेश्वर जो कि हमारे आगे चलने वाला परमेश्वर है, हम सब उसकी भेड़े हैं, हम सब पीछे चलते हैं, और चरवाहा जो होता है वो अपनी भेड़ों की रखवाली करने के लिए, उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए, उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए, उनके जीवन को मार्ग को खोलने के लिए, उन्हें सही मार्ग को चलाने के लिए केवल चरवाहा ही हमारी अगुवाई करता है। सो हमारा चरवाहा जो है वो केवल यीशु मसीह है या परमेश्वर है, जिसमें हमें विश्वास करके निरंतर आगे बढ़ते रहना है, और उसी की चरवाही के रूप में परमेश्वर हमको और आपको उसी के वचन के तहत एक सामर्थ्य रूप में प्रतिज्ञाएं भी देता है। और प्रभु यीशु मसीह ने हमको और आपको दो प्रतिज्ञाओं से निरंतर विश्वास और वचन में बने रहने के लिए कहा है। पहला है परमेश्वर को छोड़ के सिवा दूसरे को ना माना, और एक दूसरे से भाईचारे के समान प्रेम। की प्रतिज्ञाएं हैं जो कि चाहता है कि हम और आप इसी वचन के तहत आज के समय के अनुसार प्रार्थना में, अनुग्रह में, निरंतर परमेश्वर के विश्वास में और भाईचारे की प्रीति में निरंतर बढ़ते जाए, क्योंकि वो हमारा चरवाहा है। वो पछताए ना, इसलिए वो चाहता है कि हम सब उसके प्रति मन को फिराए, है ना। भीड़ अनुग्रह के द्वारा जो कि परमेश्वर ने हमें एक भीड़ के रूप में चुना है, एक भीड़ के रूप में हमारी अगुवाई करता है, वो जो चरवाहा है निरंतर हमारे जीवन के लिए अपने आप का भी बलिदान देता आया है। सो हमें इस बात को भूलना नहीं है। क्या मैं उन इसराइलियों के प्रति पछताऊंगा नहीं कि अगर वो मन फिराए और वापस आ जाए, है ना। सो परमेश्वर हमको और आपको मन फिराओ के साथ में नजदीकी में लेके आना मांगता है। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है 11वें पद में अगर हम देखेंगे, इसलिए अब तू यहूदा और यरूशलेम के निवासियों से ये कह, यहोवा यूं कहता है, देख मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरोध प्रबंध कर रहा हूँ, इसलिए तुम अपने बुरे मार्गों से फिरो और अपने चाल चलन को और कामों को सुधारो, है ना। क्या लिखा है? टर्न अवे फ्रॉम योर रॉन्ग डूइंग्स, है ना। हमको और आपको हमारे चाल चलन से निकलकर परमेश्वर की संगति में बने रहना। धन्यवाद हो कि परमेश्वर के नाम के अनुसार हम सब भाई एक साथ मिलकर परमेश्वर की संगति को करने पाए हैं। बहुत कम ऐसे मौके रहते हैं, बहुत कम ऐसे परिवार होते हैं जहाँ पे हम सब एक साथ मिलने आते हैं या परिवार एक साथ मिलकर आराधना करने पाता है। पर परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है स्टैलिन साहब के मसीह के जीवन के ऊपर, जहाँ परिवार एक साथ मिलता है, जहाँ प्रभुता और उसके अनुग्रह के द्वारा हम सब मसीह की संगति में निरंतर बढ़ते जाते हैं। और ये 40 दिन हमको और आपको इसी बात के ठहराता है, चाहे हम किसी भी प्रकार के जीवन के जद्दोजहद में क्यों ना हो, पर परमेश्वर कहता है कि थोड़ा सा समय हम परमेश्वर के वचन में बिताना समय सीखें, है ना। हमारा ये समय जो होता है 40 दिन का, किसी संसारिक एंजॉयमेंट के लिए नहीं है या वर्ल्डली हमारा एंजॉयमेंट नहीं होता।